For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. अभी तक काफी ऐसी रूमर्स आ रही थी कि शायद सलमान खान की राधे जो है सलमान घर से ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो शायद फिल्म टाइम पर रिलीज हो जाएगी, ईद पर रिलीज होगी। लेकिन अब कंफर्मेशन आ चुकी है कि सलमान खान की जो फिल्म है ये ईद पर रिलीज नहीं होने वाली है। जी हाँ, पूरी खबर क्या है चलिए आपको बता देते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाथ। बात की जाएगा सलमान खान की राधे की, तो कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्पेक्यूलेटेड है, अपने आप में बहुत ज़्यादा बज क्रिएट कर चुकी है फिल्म। तमाम रीजन है, सलमान खान का मोस्ट वॉन्टेड भाई अवतार आपको देखने को मिलेगा, सुपर डुपर एक्शन फ्लिक फिल्म है। दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, सारे एक्टर्स हैं इसमें, रणदीप हुड्डा से लेकर गौतम गुलाटी, तमाम सुपर एक्टर्स नजर आने वाले हैं। उसके अलावा ये फिल्म जो है प्रभु देवा और सलमान खान की जोड़ी की भी थर्ड पावर पैक फिल्म होने वाली है, तो और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन अब इन सारे रीजंस की वजह से भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के चलते ये फिल्म रिलीज़ तो नहीं हो पाएगी इस साल ईद पर। हालांकि हर साल भाईजान जो है वो ईदी लेकर आते हैं फैंस के लिए, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा अटका हुआ है, VFX का काम अटका हुआ है। और साथ ही साथ टीम से ये खबर भी आ रही है कि 8 से 10 दिन की शूटिंग पेंडिंग थी, कुछ पैचवर्क था दिशा और सलमान के सॉन्ग को लेकर, लेकिन वो सब शूटिंग्स अधूरी रह गई हैं कोरोना वायरस के चलते। तो जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि शूटिंग कब शुरू होगी, और शूटिंग शुरू होगी फिर पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा, फिर प्रमोशन होगी और फिर जाकर फिल्म रिलीज होगी। तो किसी ना किसी तरीके से ये फिल्म ईद पर तो डेफिनेटली नहीं आएगी, इस बात की कंफर्मेशन आ चुकी है। सब इस खबर पर क्या है आपका रिएक्शन, ये आप कॉमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति साइनिंग ऑफ।